गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम रियल एनालिसिस का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सीएसआर नेट 30 नवंबर को पूछा गया था। ये क्वेश्चन किसका? लिमिट का। तो हमारा लिमिट दिया हुआ है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू सोन एन प्लस एन पे पावर वन द एन अपॉन एन है, ठीक है। तो इसका लिमिट इक्वल टू क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया ए बाई फोर, सेकेंड ऑप्शन है फोर बाई ई, एंड थर्ड ऑप्शन है ई, एंड लास्ट वन डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको एक रिजल्ट आप जान लीजिए। रिजल्ट क्या है हमारा? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन बाई यू एन का लिमिट इक्वल टू इन दोनों का लिमिट इक्वल होता है, ठीक है। तो हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे। तो हमारे देखिए लिमिट इस फॉर्म में है, ठीक है। तो हम क्या लिमिट यू एन प्लस वन प्लस यू एन निकालेंगे, इसका जो लिमिट आएगा वही लिमिट आपका राइट हैंड साइड में जो है उसका लिमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस लिमिट का हम यूज करेंगे। तो हमारा ये टर्म क्या हो जाएगा? पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं, क्या कि वन पर पावर एन क्या टोटल टर्म में होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ नीचे केवल एन है, तो इसको हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एन प्लस वन एन प्लस टू सो एन प्लस एन, हम इसको क्या लिख सकते हैं? एन पर पावर एन, अब होल में आप लगा दीजिए वन बाई एन, ठीक है। कैंसिल होकर एन ही आएगा, ठीक है। अब हम इसको मान लीजिए यू एन या एन, जो मानना आपको एन ही मान लीजिए, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे? एन प्लस वन बाई एन क्या होता है, यहाँ से निकाल कर देख लीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एन प्लस वन से रिप्लेस कीजिएगा तो ये हो जाएगा एन प्लस टू, ये एन प्लस थ्री, सोन क्या आएगा हमारा? ये टू एन है, ठीक है। तो हमारा ये टू एन प्लस ये टू हो जाएगा, ठीक है। अपॉन ये एन प्लस वन पावर क्या हो जाएगा? एन प्लस वन, एंड यू एन क्या है उसको आप एज इट इज लिख दीजिए। ये एन प्लस वन एन प्लस टू सो टू एन, ठीक है। कटने के बाद कौन सा टर्म बचेगा? ये एन प्लस टू से टू एन तक पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। टू एन तक, टू एन से पहले, इससे पहले एक टर्म क्या होगा? ये टू एन प्लस वन, ठीक है। उसके पहले वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बच क्या जाएगा? हमारा बचेगा क्या टर्म? टू एन प्लस वन टू एन प्लस टू, ठीक है। एंड इसको आप क्या लिख सकते हैं? एन प्लस वन और एन प्लस वन पर पावर एन, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ क्या आ जाएगा? एक एन प्लस वन आ जाएगा। इसी को देखिए, ये एन ले लेंगे, ठीक है। एक एन बच जाएगा तो हमारा इसको हम लिख देंगे पावर एन। ये हमारा क्या हो जाएगा? एन पे पावर एन और एन पे पावर वन प्लस पावर एन, ठीक है। ये वन होगा। यहाँ से एन प्लस एक एन प्लस वन हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा? टोटल मिलकर एन प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। एक एन प्लस वन यहाँ से आएगा हमारा और एक एन प्लस यहाँ था, ठीक है ऑलरेडी।
अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से न्यूमरेटर से क्या आप कॉमन निकाल सकते हैं, 2n निकालेगा, या यहाँ से भी 2n, तो क्या हो जाएगा 2n का होल स्क्वायर यानी 4n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या बच जाएगा 1/2n, और ये बचेगा 1/2n। ठीक है, यहाँ से आपका n स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो ये हो जाएगा 1+1/n का होल स्क्वायर, और ये लिमिट हो जाएगा आपका n n प्लस 1 पर पावर होल n। ठीक है, इसका लिमिट क्या होगा, इसको अरेंज करके लिखेंगे तो हो जाएगा 1/1+1/n पे पावर 1/n। ठीक है, और इसका लिमिट क्या होता है, नीचे वाला जो ये पूरा होल का लिमिट हमारा क्या होता है, e होता है। ठीक है, तो आप लिमिट आप अप्लाई कर दीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इम्प्लाई क्या करेगा, यहाँ से n स्क्वायर कैंसिल, ये हमारा टर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 4। ठीक है, और ये लिमिट को सॉल्व करके कितना आया था, e आया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/e इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा आंसर 4/e। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ये लिमिट को कैसे निकालें, ठीक है, तो इसको निकालने का क्या तरीका है, ये देखिए हमारा इसको मान लेते हैं n इक्वल टू हमारा क्या है 1+1/n तो पावर n। ठीक है, जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पुट कीजिएगा तो ये कौन सा फॉर्म का मिलेगा, 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म का मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मान लीजिए ये एफ एक्स हमारा, ठीक है, एफ एक्स या एफ एन जो भी मानना है, ये मान के चलिए जी एक्स है। ठीक है, तो इसका लिमिट होता है 1 पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स माइनस 1 × gx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट 1 पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, एफ एक्स माइनस 1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/n, और ये n, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, टोटल क्या आ जाएगा हमारा ये। ठीक है, इस ये लिमिट हमारा ये आया था। ठीक है, तो 1/ ये क्या हो जाएगा लिमिट ए। ठीक है, तो ये लिमिट क्या 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट जरूर कीजिएगा।